जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोद जाटव जी और आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूँ जो एक मंदिर में जाते हैं तो आपको एक भगवान जी के दर्शन होते हैं। तो मैं ग्राम हर्रई के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिस मंदिर के अंदर केवल एक भगवान नहीं कई भगवान के दर्शन होते हैं। तो चलिए मैं आपको करवाता हूँ। ये चित्र मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है, वो लिखा है ना। तो यहाँ के पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी कह रहे हैं कि बहुत ही विचित्र अद्भुत मंदिर है। बोलूं क्या? हाँ बोल दो आप। यह मंदिर है बम्बई वालों ने बनाया है, जो एक सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर किसी से एक रुपया भी चंदा नहीं लिया गया है और जितने भी देवता होते हैं वो सिद्ध देवताओं की स्थापना है। 7,00,000 के यहाँ पर शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, दुर्गा जी हैं, महाकाली हैं, ऐसे करके हम जितने देवता हैं महान सिद्ध देवता जयपुर से, ओंकारेश्वर से, जगह जगह तीर्थों से यहाँ पर मूर्तियाँ ला करके रखी गई हैं। आप लोग पधारो, दर्शन करो, आपका कल्याण होगा। और जी और मतलब आप ही यहाँ के पुजारी जी हैं? हाँ मैं यहाँ जी। और यहाँ पे कोई जैसे बाहर का आता है तो यहाँ पे एक दो रात रुकने के लिए उसका सब व्यवस्था है? जी हाँ। तो यहाँ पे अभी जो अब सब लोग देख रहे हैं तो ये क्या है? ये यहाँ पर किसी ने ऐसा प्रसारित हुआ है कि यहाँ से माता जी निकली हैं देवी, तो देवी के चरणों का चिन्ह जो है इस सड़क के ऊपर अंकित हो गया है। जी, देवी के चरणों का चिन्ह सड़क के ऊपर अंकित हो गया है। इस विषय को किसी ने मोबाइल वगैरह में डाल करके प्रसारित कर दिया है, सबको प्रचार हो गया है, इसलिए यहाँ पर सड़क पर लाइन लगी हुई है, भीड़ हो रही है और इनका लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, उसके हिसाब से जो है माता जी का पूजन हो रहा है। दादाजी कब की बात है चमत्कार? आज रात से ये चमत्कार हुआ, रात के 12 बजे से सुबह लोगों ने देखा है। तो दादाजी आपका नाम? मेरा सुखदेव शर्मा शास्त्री। आप यहीं से हर्रई से हैं? ना, मैं हर्रई में मेरा जन्म हुआ था, मैं बम्बई में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, सब कुछ मेरा कारोबार बम्बई में है। जी, आपका परिवार भी बम्बई में? परिवार भी। तो आपका योगदान क्या है कि जब तक सांस चलेगी जब तक आप सेवा करेंगे? ये मंदिर मैंने बनवाया है, 60-70 लाख रुपया खर्च मैंने किया है, किसी से एक रुपया मैंने लिया नहीं है और जब तक मेरी सांस है तब तक मैं यहाँ की रक्षा करूँगा। बम्बई में मेरे पास सब सुविधा है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं, सब सुविधा है, बच्चे हैं, प्रिंसिपल है, बहू प्रिंसिपल है, मैं पूरे बम्बई में है, जो सुपरवाइजर था हिंदी शिक्षा मंडल का, तो वहाँ की बात है, मैं लेखक भी हूँ, साधु समाज का पुरोहित भी हूँ, यहाँ का पंडित भी हूँ, अनेक तीर्थों में पुस्तकें मैंने लिखी हैं और अब यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, माता की सेवा में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। जी दादाजी, आपसे और पूछना था कि जैसे जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा सा संदेश दो कि पैसे वाले या इस धरती में बहुत लोग हैं, आपसे मतलब आपके जितना बराबर ना करे कम से कम आपके थोड़ा तो कर सके। अच्छा, ऐसा है, मेरा विचार तो ये है कि अपने अपने नसीब के मुताबिक, प्रारब्ध के मुताबिक लोग आगे पीछे बढ़ते हैं। कुछ है प्रभु की प्रेरणा अच्छा कार्य करने की होती है, फिर भी लोग नहीं करते हैं। जी सही बोला। की प्रेरणा होने पर भी बहुत से लोगों के पास पैसा है तो पैसे के द्वारा धर्म करना चाहिए तो गलत कार्यों में लोग पैसा खर्च कर देते हैं। सही है। पैसा नहीं है ऐसी बात नहीं है, पैसा तो बहुत से लोगों के पास में है। इस धरती पर जितनी बिल्डिंग है दिख रही है वो सब पैसे वाले लोगों की है, लेकिन सब इतने मंदिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सही सही बोल, ये तो सही कहा आपने। ये बात है, इतनी यदि जितनी बिल्डिंग है उतने मंदिर हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। इस हिसाब से पैसे का सदुपयोग, हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, जब यहाँ से जाएंगे तो ऊपर के लिए किसी का मोबाइल या किसी का पता, किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं रहेगा। अब मृत्यु के बाद क्या होगा वो तो भगवान जाने, पुण्य और पाप है, दो ही चीज अपने पास जाएगी। जो हमने कर्म किया है, कुछ पुण्य किया होगा तो शास्त्र कहते हैं उसका फल आपको अच्छा जरूर मिलेगा, और जो आपने दुष्कर्म किए होंगे, अनेक प्रकार के पाप किए होंगे, तो ऐसा निश्चित है उनको भी आपका भोगना पड़ेगा। इस तरह से हमको जहाँ तक हो सके सत्कर्म करना चाहिए। हमारी उम्र 84 साल की है और हम यहाँ पर खड़े हैं और 5 साल से हम इस मंदिर में अकेले रहते हैं, अपने हाथ से खिचड़ी खाते हैं, दोपहर और शाम को खाते हैं खिचड़ी, दूसरा कुछ खाना नहीं है, ऐसी तपोभूमि है, तप कर रहे हैं, इसलिए तीर्थ स्थान बन है। उनका आप इतिहास पढ़ो तो वहाँ पर किसी ने कोई ना कोई तप किया है, उसके बाद में वहाँ लिंग की स्थापना हुई है। इसी तरह से हर एक ग्राम में
यह शिव शक्ति सिद्ध तीर्थ मंदिर है। इसका नाम है शिव शक्ति सिद्ध तीर्थ मंदिर। माने शिव और शक्ति के विराजमान होने से यह स्थान एक तीर्थ स्थान बन गया। दूसरा क्या है, यहाँ नर्मदा नहर का संगम है। उत्तर दिशा में नर्मदा जी हैं, पश्चिम दिशा में नर्मदा जी हैं, दक्षिण में सड़क है, इसके बीच में ये मंदिर आया है। इस प्रकार से ऐसे स्थान में जो मंदिर होता है तीर्थ स्थान अपने आप बन जाता है लोग अपने गुणों के कारण। और विशेष क्या कहूँ जी दादाजी, इसलिए कि मैं भी पूरे भारत का भ्रमण कर लिया मैंने, केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ जगन्नाथ, मेरे प्रभु के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन क्या थोड़ा परिवार में हो गया तो इसलिए जा नहीं पाता। ऐसा बेटा देखो, यहाँ हमने बनाया तो यहाँ लोगों को रहने के लिए कोई अतिथि हैं। देखो हमारे पास में ज़्यादातर मराठी, तुम्हारे गुजराती और पंजाबी तीन समाज बम्बई में हमारे सारे तट में रही। और हम जो है शिक्षा मंत्री हुए या कमिश्नर हुए या अन्य राजनीतिक कार्य हुए या धार्मिक कार्य हुए, इसमें हमने स्टेज पर बहुत काम किया और शिक्षकों का भी हमने बहुत भला किया है। वहाँ बम्बई के अंदर एक आपको बताएं, त्रिभाषा फार्मूला में संस्कृत के जो अध्यापक थे उनके साथ थोड़ा कुछ अन्याय जैसा दिखाई दे रहा था, तो सदानंद बर्दे जो शिक्षा मंत्री थे उनके साथ में मिलकर के हमने शिक्षकों के लिए काफ़ी उत्तम कार्य किए, विद्यार्थियों के लिए उत्तम कार्य किए। रिटायर होने के बाद हम लेखक बने, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से भी हमने उपाधियाँ प्राप्त की हैं और गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय से भी हमारे जो पुस्तकें हैं उनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ऐसा अच्छा काम किए और भगवान की इच्छा है जी। आप दादाजी ये बताइए कि मैं आपको जो आपकी भाषा को पूरी दुनिया में दिखाऊंगा तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि बुरा काम, और बताइए। देखिए प्रभु का प्रचार करना जी, पहले सुन ले, प्रभु का प्रचार करना सर्वोत्तम काम है। आप किसी हीरो का प्रचार करो, किसी नेता का प्रचार करो, किसी मनुष्य का प्रचार करो, सेकंड नंबर का यहाँ से ही है, उसमें स्वार्थ और निस्वार्थ दो भावना हो सकती है। आपको भी कोई नेता का प्रचार करने में कोई ना कोई स्वार्थ रहा हो सकता है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो प्रभु का प्रचार करना सर्वोत्तम काम है। हम ब्राह्मण लोग जो है ना, सच्चे ब्राह्मण वो प्रभु के, आज की गलत भाषा में बोलें तो दलाल हैं। दलाल कैसे हैं, हम सबको भगवान के चरणों में जोड़ते हैं, आओ तुम भी आओ दर्शन करो, तुम भी आओ दर्शन करो, भगवान का पूजन करो। आपको लालच देते हैं भगवान का पूजन करने से ऐसा होगा वैसा होगा, पर होता भी है। इसलिए हम तो अच्छे काम में जोड़ते हैं और अच्छा कार्य करने से लोगों को अच्छा होता है, पर खराब काम देखो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए आप जो है भगवान का दर्शन करोगे, भगवान का चरणामृत लोगे, साबुन लगाओगे खूब, एक बात सुनो, साबुन लगा कर नहाओगे तो चमड़ी शुद्ध होगी, ध्यान रखना चमड़ी शुद्ध हो जाएगी ठीक है, लेकिन हृदय शुद्ध हो जाएगा, मानसिक भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता है। ये तो तब शुद्ध होगा जब आप भगवान का दर्शन करोगे, भगवान का चरणामृत लोगे, भगवान का भजन करोगे, अपनी भावनाओं को भगवान में प्रेरित करोगे, तो आपका हृदय मन तन सब शुद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और जो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दादाजी आपको प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान। देखो बेटा आप भी अच्छा काम कर रहे हो और हम भी भगवान की प्रेरणा से, उसकी प्रेरणा से ही काम कर रहे हैं और आप भी उसकी प्रेरणा से यहाँ तक आ गए हो और एक अच्छा काम कर रहे हो। भगवान आप सबका कल्याण करे, हम तो यही भावना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका कल्याण हो जी। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोद जाटव जी और आज आप सभी को मां नर्मदा जी की और मां जगदम्बे की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप ये मंदिर देख रहे हैं तो ये मंदिर हर्रई का है। ग्राम सीहोरा से लेके हर्रई तक माता जी का दाहिना वाला पैर से जो चल के आई हैं उनके निशान जगह जगह पर हैं, करीबन 1.5 किलोमीटर। यह दिन के 12 बजे की बात बताई जा रही है। तो देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते जा रहे हैं। तो मैं फ़ोन में बताने की कोशिश करूँगा लेकिन आपको यह विश्वास नहीं होगा क्योंकि उतने जूम करने के बाद भी नहीं दिखेंगे आपको। तो मैं फिर भी कोशिश करता था और करता हूँ और करता रहूँगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन आपको जो उंगली के निशान समझ में नहीं आएंगे, लेकिन चिन्ह जो मैंने देखे हैं वो बराबर हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालु
और जो यहाँ पे सुविधा है भक्तों के लिए, जो पहचानने के लिए, जो यहाँ पे जो निशान छोड़ दिए, देखो देख सकते हैं माता का पैर, माँ एक साइड, इनका सिर्फ दाहिना वाला पैर है ना, तो दाहिने वाले पैर से चलते चलते आई हैं। इनके सिर्फ एक ही पैर का निशान है। इनकी दूरी करीबन 6-7 फीट दूरी पर, दूरी बराबर 7 फीट, 7 फीट की दूरी पर बराबर पैर के निशान है। तो यहाँ पे मैं और भी दिखाना चाहता हूँ, मंदिर के दर्शन भी कराऊँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो कृपया कर सदस्यता ले पे क्लिक कर दें। जय माता। इतनी भीड़ अभी तक नहीं दिख। तो चलिए मैं अब मंदिर के अंदर ले जा रहा हूँ आपको दर्शन कराने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो हनुमान जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान। नेक्स्ट श्री शिव शक्ति सिद्ध तीर्थ मंदिर। इसके बाद में नेक्स्ट साइड से तो मेरे चैनल का भी आप घंटा बजा दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। देखो ये राम कृष्ण, राम भगवान, ये गणपति जी, दुर्गा जी, दुर्गा जी, राम सीता, ये भोलेनाथ जी, बहुत सारे मंदिर के भगवान जी सब यहीं पे विराजमान है। सभी भगवान जी के दर्शन इस मंदिर में हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। तो यार मैं इतना तो बनता है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो और भी बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे सभी सुविधाएं, यहाँ पे जो भक्त रह सकता है, लेटरिन की, बाथरूम की, नहाने की सभी की सुविधाएं, और ये जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनको रहने की व्यवस्था है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जय भोलेनाथ, सब्सक्राइब कर लो यार भाई साहब। सदस्यता लिखा होगा, सदस्यता लें, उस पर एक बार क्लिक कर दो। जय भोलेनाथ, अनाथों के विनाथ भगवान भोलेनाथ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न मिले और प्यासे को पानी।